ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और लगातार हम बड़ी खबर ट्रैक करते हुए कि जिस तरह से जिस सस्पेंस को लेकर हम कह सकते हैं आज कहीं ना कहीं से तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस परिवार, इसी पर हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आराम कृपाल जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिस तरह से केएल शर्मा की अगर बात की जाए, क्या लगता है आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या सोच रही है अगर हम बात करें गांधी परिवार की, उन्हें अमेठी से उतारना, क्या कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे थे कि इस सीट पर जो पिछली बार का अगर हम बात करें वोट प्रतिशत था या फिर जिस मार्जिन से राहुल गांधी हारे थे, कहीं ना कहीं ये डर कांग्रेस में था? देखिए, जो सवाल आप कर रही हैं और बाकी मित्रों ने जो अभी कहा है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, मैं केवल एक बात यह कह रहा हूं कि आप मैं किसी व्यक्ति को लेकर के इतना ज्यादा चिंतित नहीं रहता। मेरी चिंता होती है एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो रही वो क्या विकल्प के रूप में आज की तारीख में खड़ी है या नहीं। कांग्रेस की चिंता ये होनी चाहिए थी, लेकिन आज का जो फैसला है, जाहिर सी बात है जो कयास लगाए जा रहे थे वो पूरी तरह नहीं, लेकिन 50% तो सही हुए हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं। कहना यह था कि परिवार जो है वो किसी न किसी रूप में सिंबॉलिक ही सही, उसका रिश्ता उत्तर प्रदेश से खत्म ना हो इस तरह, जैसे पिछली बार सोनिया जी जीती थी रायबरेली से, तो कम से कम एक सीट कहीं से उनको मिले या उत्तर प्रदेश में उनकी प्रेजेंस रहे। लेकिन मैं इसको दूसरे संदर्भ में देखता हूं। कांग्रेस आज जिस स्थिति में पिछले 10 वर्षों से है, कांग्रेस की चिंता ये होनी चाहिए थी कि वो पार्टी जो 60 साल तक इस देश पर राज की, उसका संगठन कैसे मजबूत हो, वो पार्टी कैसे रिवाइव करे, बजाय इसके ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की चिंता पार्टी संगठन नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, उसकी चिंता सिर्फ सोनिया और गांधी परिवार है। इतना ज्यादा उस पर चर्चा हो करके तमाम, और आज जब आखिरी दिन है डर के मारे, तो इसका संदेश क्या जाएगा? पहली बात तो ये देखिए, वायनाड के लोग क्या सोचेंगे। हालांकि राहुल जी कह चुके हैं कि वो वायनाड सीट पर कायम रहेंगे, इसका मतलब अगर वो जीत भी जाएंगे तो रायबरेली छोड़ देंगे, और या आप वायनाड छोड़ेंगे। तो आप ये बताइए कि मतदाता सिर्फ इसलिए आपको वोट देगा कि आप गांधी परिवार के हैं और उनका आप एक नाम हो? कांग्रेस कहीं विकल्प के रूप में दिख नहीं रही है। मेरा इतना ही कहना है कि जब किसी पार्टी में व्यक्तिगत, जिसको कहते हैं ना व्यक्तिगत स्ट्रेंथ जो होती है वो पार्टी से बड़ी हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि पार्टी के दिन बुरे आने वाले हैं। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ शुड नॉट बिकम द वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और कांग्रेस जो भी ये कर रही है आज, जिस तरह से आप पहले से आप डिक्लेयर करते सारा कयास लगा के अगर एक या दो सीट आप उत्तर प्रदेश में जीत भी जाएंगे तो उससे कांग्रेस का रिवाइवल होगा क्या? मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं, कांग्रेस पार्टी पर ध्यान दिया जाना चाहिए, परिवार और व्यक्ति पर नहीं। ये मोदी बहुत पहले बीजेपी में कहते रहे हैं कि मेरी ताकत पार्टी की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, और अगर यही कांग्रेस आज सीख गई होती तो कांग्रेस आज बेहतर करती। मेरे शुभकामनाएं हैं, जरूर लड़े, लेकिन मैं हमेशा जब कांग्रेस की बात आएगी तो मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में पहले सोचूंगा, किसी व्यक्ति किसी नाम किसी परिवार को के बारे में बाद में। अगर वो व्यक्ति इतना बड़ा है कि वो कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव करके बतौर विकल्प पेश कर सकता है आज एनडीए के सामने, तो मैं मानता, लेकिन उस उत्तर प्रदेश में आप 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश में मतलब 1/4 भी नहीं, आप सोचिए, और उसमें भी सस्पेंस बना करके कि राहुल जी अमेठी नहीं अब रायबरेली से लड़ेंगे, तो सवाल मतदाता बहुत चालाक है, बहुत जानकार है, आपका उद्देश्य क्या है? मतदाता इसलिए नहीं है कि वो आपका नाम और गांधी परिवार के लिए हमेशा माला जपता रहेगा। आज वो देश की समस्याएं, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, राष्ट्रीय समस्याएं, सामाजिक आर्थिक विषयों से, उन विसंगतियों से जूझ रहा है, उसका कोई विकल्प आप लेके आए तो आपको मानेंगे। जी, यहाँ हमारे साथ रायबरेली से विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का नारा है हाथ बदलेगा हालात,
लेकिन हालात तो हमें लगातार दिख ही रहे हैं कांग्रेस के कि किस तरफ जा रहे हैं। जब आज रायबरेली से अब राहुल गांधी को सेफ जोन में उतार दिया गया है, साथ ही केएल शर्मा को अमेठी से उतारा गया है, आगे जब नामांकन भरने की प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से चलेगी, और कहा जा रहा है कि फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर सभी मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल, फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे उतरेंगे और उसके बाद से सीधे भूएमओ गेस्ट हाउस जाएंगे, जो इनके परिवार का ही गेस्ट हाउस है, यहीं पर सारी रणनीति तय होती है इनकी। इसके बाद से राहुल गांधी नामांकन के लिए जाएंगे रायबरेली में, जिला कलेक्टर जहां पे नामांकन ऑफिस है। माना जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन है, तिलक भवन से लेके अस्पताल चौराहे होते हुए वो पहुंचेंगे। ये एक छोटा सा रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। वहीं जो तैयारी थी अमेठी में, अमेठी के कार्यकर्ताओं को अब इससे क्या असर पड़ेगा वो अभी कुछ देर में नजर आने लगेगा कि कितनी निराशा है, क्योंकि उनको पूरी तैयारी थी, पूरी उम्मीद थी कि राहुल गांधी वहां पे आ रहे हैं, और रायबरेली वालों को लग रहा था कि प्रियंका गांधी आ रही हैं। प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने के पीछे एक और कारण भी हो सकता है। हमने देखा 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, प्रियंका गांधी यहाँ की प्रभारी रहती है, उनको चेहरा बनाकर उतारा जाता है, उसके बाद इतनी बड़ी नाकामी उत्तर प्रदेश में मिलती है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, तो सबसे बड़ी बात होती है। जो कांग्रेस मानती है कि सबसे बड़ा उनका ट्रंप कार्ड था, जब वही फेल हो गया, तो उसके बाद प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की बात थी कि वो अब चुनाव लड़ेंगी, और सबसे बड़ा एक डर, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है था कि आगे उनका करियर क्या होगा। अगर उनकी लॉन्चिंग ही खराब हो गई, उनकी शुरुआत ही खराब हो जाएगी, तो आगे का भविष्य क्या होगा। तो अभी फिर से जो है कह रहे हैं वो पत्ता रोक लिया गया है, और राहुल गांधी को एक बार उपस्थिति के लिए उत्तर प्रदेश में लाया गया है। चूंकि जो जैसे कि बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के बावजूद भी मात्र 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने आप को इसी पर आगे बात करते हैं विनोद जी से। विकास, आप बहुत सही बात कर रहे हैं। विनोद जी, इंडी गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक वॉकओवर दिया सपा ने, यहाँ दोनों ही जो सीटें थी वहां से अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। हालांकि इन दोनों जो विधानसभा क्षेत्र में उसमें सपा की स्थिति बेहद मजबूत है। इस तरह अब लास्ट मिनट जिस तरह से फैसला लिया गया, क्या संदेश इंडी गठबंधन की ओर जाता हुआ? असल में थोड़ा सा आपके सवाल में वैल्यू एडिशन कर दूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए हमेशा से, चाहे वो सपा बसपा का अलायंस रहा हो या ना रहा हो, इन दोनों सीट पे ये दोनों पार्टियां, रीजनल पार्टियां, कभी भी अपना कैंडिडेट नहीं देती थी। ये एक तरह से उनके लिए एक बनता था बीजेपी के साथ में लड़ाई में, एक उनको एक मार्जिन देता था कि सपा और बसपा के कैंडिडेट सोनिया गांधी और रायबरेली से और अमेठी से राहुल गांधी के लिए अपना कैंडिडेट नहीं देता था, लेकिन इस बार बसपा ने दोनों जगह कैंडिडेट दिया है। अभी कम से रामकृपाल जी जो बात कह रहे थे वो बात समझने की जरूरत है कि बहुत शानदार उन्होंने अंडरलाइन किया है इस चीज को कि कांग्रेस पार्टी में दिक्कत क्या है। आप ये देखिए कि रायबरेली के लोकल कैंडिडेट दिनेश सिंह है भाजपा के, और अमेठी में अभी स्मृति ईरानी ने अपना घर बना लिया है, और वो घर बना के आप ये सोचिए कि वहां जिस तरह से लोगों से मिल रही है, लोगों से जिस तरह से संवाद कर रही है, लोगों के हर दुख सुख में वो साथ में खड़ी रहती है, तो ये अमेठी से अब राहुल गांधी का वहां पे फिर जाना 5 साल के बाद, और ये कहना कि ये हमारी परंपरागत सीट है और हम इस सीट पे दोबारा आए हैं, तो शायद लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन रायबरेली में जाना जो राहुल गांधी का है, वो जानते हैं कि ये दिनेश सिंह जो है वो कभी उनके ही परिवार के एक कार्यकर्ता हुआ करते थे। रायबरेली में कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी दिनेश सिंह, इसके बाद सपा में भी गए, बसपा में भी गए, और लास्ट में वो बीजेपी में आए और 2019 में उनको बीजेपी ने टिकट दिया जी। और इतनी मजबूती से उन्होंने वहां पे लड़ाई लड़ी कि आप ये देखिए कि सोनिया गांधी सिर्फ 1,20,000 वोटों से जीत पाई, और यूपी में सिर्फ अकेला एक रायबरेली सीट थी जहां कांग्रेस परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट ले पाई थी। एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। जो रामकृपाल जी कह रहे थे वो दिक्कत कमोबेश सब जगह है। ये सब जगह इसलिए है कि संगठन के नाम पे, कार्यकर्ता के नाम पे अगर आप यूपी में ढूंढने जाएंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर 80 लोकसभा सीट से आते आते कांग्रेस अगर 17 सीट पे सिमट जाती है तो आप इस बात का कम से कम कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के संगठन पूरे यूपी में कहां है।
और ये पिछले 30 साल से अगर ये पूरा कांग्रेस पार्टी किसी ना किसी पार्टी के कभी दो लड़के साथ हैं, कभी मायावती के साथ हैं, तो अब जब ये साथ रहते हुए चलते हैं तो आपका कम से कम वजूद वहां नहीं खड़ा होता है। तो ये बात दिक्कत कांग्रेस पार्टी में है। अब ये देखना रहे बरेली में होगा कि राहुल गांधी जब वापस आए हैं और जब अपने उस सीट पे अपनी पुराने राजीव गांधी से लेके, नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके और उस सारे परंपराओं को अपने परिवार को जोड़ेंगे, वो कितना कनेक्ट कर पाता है ये देखने की बात बिल्कुल है। राय बरेली की राय बदलती है या राय वही रहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल आचार्य, यहाँ रामकृपाल जी के पास भी आना चाहेंगे। रामकृपाल जी, अगर इन्हीं दो सीटों पर रहे अभी हम, तो चुनाव की तैयारियां आज से तो हो नहीं रही, चुनाव की तैयारियां पिछले कुछ महीने से हो रही है, आखिरकार उस तिथि पर आना जहां नामांकन का आज आखिरी दिन हो तो संशय की स्थिति पैदा करता है। साथ ही साथ कुछ मुख्य मेजर मुद्दे ऐसे रहे हैं जैसे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, या फिर आर्टिकल 370 को हटाना हो, या फिर जिस तरीके से अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है वो भी एक अच्छे संकेत है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस में डर का संदेश भी दिख रहा है। निश्चित रूप से, और पहली बात विनोद भाई ने बहुत अच्छी बात ढंग से रखी है, मैं एक बात उसमें और जोड़ूंगा। कल्पना कर लीजिए कि आप और मैं दोनों, हम लोग रायबरेली के मतदाता हैं, हम जब वोट डालने जाएंगे तो क्या हम इसलिए वोट डाल रहे हैं एक महीने के सांसद के लिए या 5 साल के सांसद के लिए? खुद राहुल जी इस बात को बताएं कि वो वायनाड से इस्तीफा देंगे या रायबरेली से इस्तीफा देंगे। देखिए, आज की तारीख में वोट बहुत वैल्यूएबल चीज है। जो भी उस उंगली में स्याही लगाता है ना, वो सोचता है। अब अगर आप जिस तरह का राहुल जी का रिश्ता वायनाड से है और कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि ये एक रायबरेली से सिंबॉलिक लड़ाई होगी, जीतने के बाद उनको इस्तीफा देना है, चाहे वो रायबरेली से या वायनाड से, 99% वो रायबरेली से इस्तीफा देंगे। क्या रायबरेली की जनता एक महीने के लिए कोई अपना सांसद चुनने जा रही है? ये भी सवाल वहां आएगा। रही बात दूसरे, जितनी बातें आपने कही हैं वो तो सब बातें उस पर बहस हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा में न जाना और जिस तरह की बात, लेकिन अभी अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है वो मैं ओवरऑल अगर आप देखिए तो वो 70s के कम्युनिस्टों का मैनिफेस्टो है, 70 के दशक का। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियां भी पूंजीवाद की राह पे चली गई, चाइना ने भी कैपिटलिज्म की राह पकड़ ली, रसिया ने पकड़ लिया, क्यूबा एक अकेला बचा हुआ था वो भी चला गया जी। तो आज की तारीख में इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज में, 5G की एज में, आप 70s का लेके आ रहे हैं जो एंटी रिफॉर्म जिसको कहते हैं, वो कतई सफल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया जो है, जो इकोनॉमिक राह है पूरी दुनिया की, वो प्रो रिफॉर्म है, वहां पे एंटी रिफॉर्म कोई भी चीज लेकर के। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के सामने सिर्फ इसलिए राहुल जी कोर्ट पड़े कि वो राजीव गांधी जी के बेटे हैं, इंदिरा जी परिवार, नेहरू जी परिवार, इतना इमोशनल कार्ड अगर चल जाएगा तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आज हम लोग भावुक हैं, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है। रामकृपाल जी, आपने बहुत सही कहा, हम भावुक हैं, लेकिन आज का मतदाता या जनता जनार्दन जागरूक भी है। और आखिरी सवाल रामेंद्र से। रामेंद्र, कहते हैं ना कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। जिस तरह से इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए और खास तौर पर इन दो सीटों का अगर हम जिक्र करते हैं, तो बहुत सी बातों से जो तमाम इंडी गठबंधन के सदस्य हैं वो कांग्रेस से नाराज हैं। बात हम महबूबा मुफ्ती की कर लें, हम यहाँ पर ममता बनर्जी का जिक्र करें। ऐसे में जब इन दो सीटों पर मतदाता वोट डालने जाएगा, जिसका जिक्र रामकृपाल सिंह ने भी किया, साथ ही साथ विनोद मिश्रा जी ने भी किया, उसके मन में मुद्दे हावी रहेंगे या फिर ये इमोशनल कार्ड जो लगातार खेलता है कांग्रेस का आलाकमान हमेशा से?